नमस्कार, न्यूज पीआर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति। कल यानी कि 26 दिसंबर को बिहार पुलिस में दारोगा यानी कि एसआई और सर्जेंट की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होने वाली है। ये परीक्षा 2 घंटे की होगी, जिसमें 200 अंक के 100 प्रश्न होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इस परीक्षा के एडमिट कार्ड को 3 दिसंबर को ही जारी कर दिया गया था और 26 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं। 2213 पदों के लिए कुल ये एग्ज़ाम होंगे और एक पद के लिए 275 दावेदार होंगे। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले क्या क्या गाइडलाइंस है, कौन कौन से गाइडलाइंस है जिन्हें आपको जान लेना चाहिए परीक्षा केंद्र में जाने से पहले, उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल बिहार पुलिस में दारोगा यानी कि एसआई और सर्जेंट के 2213 पदों पर भर्ती के लिए 26 दिसंबर 2021 को प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित होने जा रही है। इसमें करीब 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। एक सीट के लिए करीब 275 दावेदार हैं। 2 घंटे की परीक्षा में 200 अंक के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटे जाएंगे। 30% से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए असफल घोषित हो जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार किया जाएगा। आपको बता दें कि परीक्षा केंद्र में जाने से पहले ये गाइडलाइंस है, जिसमें अभ्यर्थी एडमिट कार्ड के साथ अपना फोटो पहचान पत्र जरूर लाए, इसके बिना एंट्री नहीं दी जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है वो अपना सर्टिफिकेट साथ लाए। जिन्हें नहीं लगी है वह परीक्षा तिथि से 1 सप्ताह पहले तक RT-PCR टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट साथ लेकर के आए। परीक्षा केंद्र में मास्क लगाकर पहुंचे, सैनिटाइजर साथ ले जाए। परीक्षा केंद्र पर फोटो मास्क हटाकर खींचनी होगी। OMR पर काले या नीले पेन से ही गोला भरे। गोला भरने के बाद मिटाने की कोशिश ना करें, कंप्यूटर द्वारा उसे गलत उत्तर की तरह प्रोसेस किया जाएगा। आंसर शीट को भरने से पहले OMR शीट आंसर शीट पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ लें। OMR पर ऐसा कोई चिन्ह ना बनाए जिससे कि आपकी पहचान जाहिर हो। कोई भी पन्ना प्रश्न बुकलेट से अलग ना करें। कोई भी लिखित सामग्री प्रवेश पत्र पर कोई लेख, सादा कागज, कीबोर्ड क्लिप, स्लाइड रूल, कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल डायरी, स्मार्ट वॉच या अन्य कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस परीक्षा केंद्र के भीतर ले जाना सख्त मना है। परीक्षा खत्म होने के बाद अपनी OMR आंसर शीट और प्रश्न बुकलेट वीक्षक को सौंप कर जाए। इसके बाद बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी आपको। प्रवेश पत्र को परीक्षा के बाद के चरणों के लिए सुरक्षित रखें। परीक्षा केंद्र में मोबाइल लेकर जाना सख्त मना है। दरअसल आपको बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात उम्र में वरीय अभ्यर्थी मेधा कर्म के ऊपर रहेंगे। समान अंक प्राप्त करने वाले, समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की स्थिति में मेरिट लिस्ट सूची में उनके स्थान का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा। अर्थात अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी मेधाक्रम में ऊपर रहेंगे। दारोगा भर्ती और सर्जेंट भर्ती की कल परीक्षा होने वाली है, उसके लिए हमने आपको सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता दिए हैं। इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।